हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे स्त्री यूनिवर्स को लेकर। फ्रेंड, जितने भी हमारे फ्रेंड्स जो कि मेकर से गिला कर रहे थे, स्त्री वन के मेकर से गिला कर रहे थे, फिर स्त्री टू के मेकर से गिला कर रहे थे कि यार श्रद्धा कपूर को स्क्रीन पर थोड़ा सा कम मिला है, ऐसा लगता था कि श्रद्धा कपूर का एक एक्सटेंडेड कैमियो है, ना कि फुल फ्लैश कैरेक्टर है स्त्री पार्ट वन में भी और फिर स्त्री पार्ट टू में भी। तो जितने भी फ्रेंड्स जो कि निराश थे श्रद्धा कपूर की स्क्रीन प्रेजेंस को लेके या स्क्रीन प्रेजेंस के टाइम को लेके, उन्हें मेकर्स ने लिटरली एक ट्रीट देने का फैसला कर लिया है। फ्रेंड, अगर इनसाइड रिपोर्ट्स की मानी जाए तो स्त्री के मेकर्स ने डिसाइड किया है कि एक पूरी स्पिन ऑफ मूवी बनेगी जो कि सिर्फ स्त्री कैरेक्टर पे होगी और उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा कपूर दिखाई देंगी। इसमें आपको राजकुमार राव और उनकी जो पूरी टीम है, पंकज त्रिपाठी या उस गांव का जो बंदा है, वो दिखाई नहीं देगा। अब स्त्री की क्या कहानी थी, वो कैसे स्त्री बनी, उसके साथ क्या जुल्म हुआ था, क्या क्या और स्टोरी डेवलप करेंगे मेकर्स, या मैं आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय आप सिर्फ एक चीज कंफर्म माने कि स्त्री की स्पिन ऑफ मूवी बनने जा रही है और उसमें आपको श्रद्धा कपूर फुल फ्लेज रोल में दिखाई देंगी। फ्रेंड, ये जो हॉरर कॉमेडी का जॉनरा का यूनिवर्स क्रिएट किया हुआ स्त्री के मेकर्स ने या अमर कौशिक ने या बाकी लोगों ने, इस समय उनके पास एक ऐसी मुर्गी हाथ लग चुकी है जो कि सोने का अंडा देती है। क्योंकि आप लास्ट उनकी मूवी मुंजिया उठा के देख लें, वो सुपर हिट थी। उससे पहले भेड़िया एक अनडिजर्विंग सेमी हिट थी, भेड़िया डिजर्व करती थी कि उसे एटलीस्ट हिट या सुपर का टैग मिले। उससे पहले स्त्री पार्ट वन ब्लॉकबस्टर थी। तो अब जो भी उनकी मूवी आएगी उसे अच्छा खासा रिस्पांस पब्लिक द्वारा मिलेगा और वो चीज़ आपको बॉक्स ऑफिस पे भी शो होएगी। तो आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि 30 से 35 मिनट का जो स्क्रीन प्रेजेंस होता है श्रद्धा कपूर का स्त्री मूवीज में, उसने इतनी धूम मचाई हुई है, उसने इतना बवाल किया हुआ है। तो जब फुल फ्लैश स्त्री का स्पिन ऑफ आएगा तो बॉक्स ऑफिस का क्या हाल होगा। फ्रेंड, आपको मानना पड़ेगा कि अगर हॉरर और कॉमेडी वाला जॉनरा जो जिसमें भूल भुलैया फ्रेंचाइज भी आ जाती है, जिसमें स्त्री फ्रेंचाइज भी आ जाती है, जिसमें मुंजिया भी आ जाती है, अगर ये क्लिक कर जाए जॉनरा, तो इससे बड़ी इंटरटेनमेंट मूवी आपको कोई देखने को नहीं मिलती। क्योंकि इन मूवीज में रोमांटिक एंगल भी होता है, ढेर सारी कॉमेडी होती है, हॉरर सीन्स भी होते हैं अच्छे खासे, और एंड में आपके पास बहुत ही बढ़िया मैसेज भी मिलता है और आपको एक लेसन भी मिलता है। तो जो चीजें आपको एक इंटरटेनमेंट मूवी में चाहिए होती है, हॉरर कॉमेडी वाला जॉनरा आपको वो सारी चीजें देता हुआ दिखाई देता है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि लास्ट डेकेड में जो श्रद्धा कपूर से थोड़ी सी ज्यादा हुई है कि उन्हें बड़े प्रोडक्शन हाउस से काम नहीं मिला, ये डेकेड, ये जो लास्ट 6 to 7 ईयर्स रह गए इस डेकेड के, ये मेक श्योर करेंगे कि श्रद्धा कपूर बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड को रूल करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।